हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग मज़े में होंगे और शो को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो है उसमें हो चुकी है नवरात्रि की एंट्री, और साथ में इस बार कुछ खास होने वाला है वो ये कि नवरात्रों के साथ साथ फिरंगियों की भी एंट्री हो चुकी है, यानी फॉरनर्स की एंट्री हो चुकी है गोकुलधाम सोसाइटी में। ये जो फॉरनर्स आएंगे ये उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि नवरात्रि क्या होती है, क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, एक जो गरबा डांडिया होता है क्यों होता है और कैसे होता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में फिरंगियों को मिलेगा। आप सब लोग भी इस चीज़ का आनंद लेंगे, मज़ा उठाएंगे, हम भी इस चीज़ का आनंद लेंगे, मज़ा उठाएंगे, और साथ में अंग्रेज भी नवरात्रि का मज़ा लेंगे और आनंद उठाएंगे। हमारी संस्कृति संस्कृति से रूबरू होने का एक मौका दिया जा रहा है इस शो के माध्यम से सभी दर्शकों को, और विदेशियों के माध्यम से भी ये दर्शाया जा रहा है कि हमारी संस्कृति काफ़ी अच्छी है, और जो दूसरे लोग हैं वो हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, विदेशी लोग हैं हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हैं संस्कृति की अगर बात करें तो सिर्फ त्योहारों तक या टेलीविज़न तक ही सीमित रह गई है, वो भी किसी किसी अच्छे एपिसोड में, जो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। ये सभी त्योहारों को काफ़ी अच्छे से प्रसारित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है, और यही जो हमारी संस्कृति है इतनी पुरानी है, इतनी विशाल है कि इसके बारे में जितना हम जान पाए हैं, जितना हम जान सके हैं उतना कम है। अभी यथा सागर है इस चीज़ का, इस हमारी संस्कृति का जो जानना बाकी है। तो हमें अच्छा लगता है जब कोई शो अपनी संस्कृति को इस तरह से संजो कर रखता है और उसे प्रसारित करने का काम करता है। तो आने वाले एपिसोड में यही होने वाला है, तारक मेहता के उल्टे चश्मा में फिरंगियों को ये बताया जाएगा कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, गरबा और डांडिया डांस क्या होते हैं, और आप लोगों को काफ़ी आनंद आएगा ये देखकर जो भी होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड में। हम भी आपको अपडेट्स और ट्विस्ट के बारे में बताते रहेंगे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री है, और हमें जो हिम्मत और जो हौसला मिलेगी वो हम आपको बयान नहीं कर सकते आपके एक सब्सक्राइब करने से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।